दोस्तों अमूमन कंपनी एक गाड़ी दो गाड़ी लॉन्च करती है और उसके बारे में न्यूज छपती है, हेडलाइंस बनती हैं। लेकिन टाटा कंपनी जो पिछले कुछ महीनों से शांत बैठी थी, अचानक उन्होंने ऐसा मेगा इवेंट किया जिसमें एक नहीं दो नहीं दर्जनों गाड़ियां उन्होंने लॉन्च की हैं। इसमें कुछ अपडेटेड हैं तो कुछ नई गाड़ियां डाली हैं। जी हां दोस्तों, मुंबई में टाटा मोटर्स ने एक मेगा इवेंट लॉन्च किया जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ अपनी गाड़ियों को लॉन्च किया। जैसा कि हमने बताया, एक नहीं दो नहीं लगभग दर्जनों गाड़ियों को इसमें लॉन्च किया गया। क्या क्या फीचर्स इन गाड़ियों में अपडेट किए गए हैं, कौन सी खास गाड़ी रही जो आकर्षण बनी रही, बताएंगे आज के लॉरी प्रोग्राम में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों 5 सितंबर को टाटा मोटर्स ने 5 सीएनजी गाड़ियों को लॉन्च किया, जिसमें एम एंड एच सीवी भी लॉन्च किया गया। जी हां, और इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा जीवीडब्ल्यू देने वाले ट्रक लॉन्च किए हैं। टाटा सिग्ना का 1918 और 2818 मॉडल लॉन्च किया गया, जो कि मुख्य आकर्षण रहा इस मेगा इवेंट में। 7 गाड़ियां ILCV सेगमेंट में लॉन्च की, जिनमें टिप्पर भी हैं। और टाटा की अल्ट्रा रेंज में टिप्पर गाड़ियां लॉन्च की है टाटा ने। बताया जा रहा है कि ये सभी गाड़ियां नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हैं। कुछ गाड़ियों को टाटा मोटर्स इंटेलिजेंट बॉर्न डिजिटल ट्रक कह रहा है। इन ट्रकों में कई तरह के डिवाइसेस लगाए गए हैं जो ड्राइवर को अलर्ट करते रहते हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं ILCV सेगमेंट की, जिसमें 7 गाड़ियां टाटा मोटर्स ने लॉन्च की हैं। हाई ग्रैंड क्लियरेंस के साथ LPK 610 लॉन्च की गई, 5 स्क्वायर फीट की एडेड डेक लेंथ के साथ LPT 709 GXD लॉन्च की गई। और ये भी बताया कि ये 10% फ्यूल एफिशिएंट है। 4 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी के साथ SK710 टिप्पर लॉन्च किया गया। 3.8 लीटर SGI टर्बोचार्ज इंजन के साथ अल्ट्रा T12G लॉन्च किया गया। बेस्ट इन क्लास कंफर्ट, हायर ग्रेडिबिलिटी और AC केबिन के साथ अल्ट्रा K14 लॉन्च किया गया। LPT 1512G को लॉन्च किया गया, जिसके बारे में बताया गया कि 10% फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ हाईएस्ट CNG कैपेसिटी है और एक बेहतर कंफर्ट के साथ अल्ट्रा 16CX लॉन्च किया गया। इन 7 गाड़ियों के बारे में ये भी बताया कि फ्यूल एफिशिएंसी तो है ही, लेकिन इसमें आपके पास काफी वेरिएशन हो जाती है डेक लेंथ आदि की। एक गाड़ी इन्होंने टाटा की न्यू प्राइमा लॉन्च की। कंपनी वालों ने बताया कि देश का पहला ऐसा ट्रक है जो M&HCV सेगमेंट में एडास फैसिलिटी के साथ लॉन्च किया जा रहा है। एडास यानी कि एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, नाम से ही आप समझ गए होंगे, वो चीज जो ड्राइवर को असिस्ट करे, यानी कि उसकी मदद करे उसके सफर के दौरान। यही नहीं, कहा गया है कि अर्गोनॉमिकली इसको काफी कंफर्टेबल बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि ड्राइवर की सीट को सस्पेंशन के साथ बनाया गया है, उसे आगे पीछे एडजस्ट किया जा सकता है। ड्राइवर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें CMS सिस्टम है। CMS यानी कि कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम। इसका मतलब यह है कि कभी भी कोई ऐसी स्थिति बने जहां कुछ टकराव होने को है तो ये ड्राइवर को अलर्ट कर देगा। इसके अलावा लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम इसमें दिया गया है। DMS इसमें दिया गया है, यानी कि ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि बिल्कुल ड्राइवर के सामने एक ऐसा डिवाइस होगा जो नींद आने की स्थिति में, पलक झपकने की स्थिति में ड्राइवर को अलर्ट करके जगा देगा। ESC इसमें लगा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम प्राइमा गाड़ियों में दिया गया है, यानी कि ड्राइवर के कंफर्ट के साथ साथ उसकी सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। और अब आते हैं उस गाड़ी पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस मेगा इवेंट में, टाटा की सिग्ना 1918 और 2818। सबसे खास बात ये बताई गई कि CNG में इसको निकाला गया है। बताया गया कि ये देश के पहले ऐसे ट्रक होंगे CNG सेगमेंट में जो 19 और 28 टन के लोड उठा सकेंगे। सबसे खास बात ये बताई गई कि 1000 किलोमीटर तक ड्राइवर एक बार CNG टैंक फुल करवाने के बाद जा सकेंगे, यानी कि मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन बताया जा रहा है, जो ड्राइवर के लिए काफी किफायती होने वाला है। इनमें डेक लेंथ की ऑप्शंस काफी दी गई हैं। 19 टन की लोड की गाड़ी अगर आप चुनते हैं तो उसमें 20 से लेकर 32 फीट तक की डेक लेंथ आप चुन सकते हैं, और 28 टन में 24 से 32 फीट तक। एक और खासियत इन गाड़ी की बताई गई कि इसमें ड्यूल नोजल है गैस फिल करने के लिए, यानी कि कहीं भी आप जा रहे हैं तो तेजी से CNG आप रिफिल करवा सकते हैं।
यानी कि आपकी समय का ख्याल भी रखा गया है कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके अलावा इन गाड़ियों में गियर शिफ्ट एडवाइजर दिए गए हैं, डुअल स्विच मोड दिए गए हैं, यानी कि अगर गाड़ी खाली चला रहे हैं तो लाइट का ऑप्शन चुन सकते हैं, अगर गाड़ी लोडेड है तो आप लोडेड गाड़ी वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके अलावा टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दिया गया है, इसका मतलब यह है कि आप स्टीयरिंग को भी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। MHCV सेगमेंट में सोने के लिए गाड़ियों में पीछे स्लीपिंग बर्थ दिया गया है। 7 इंची के एडवांस्ड HMI टच स्क्रीन दी गई है, जिनमें काफी ऑप्शंस आपको टच स्क्रीन पर ही मिल जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर नए अवतार में कुछ गाड़ियां आपको दी, कुछ नई गाड़ियां लॉन्च की जो आपके लिए किफायती हैं, आरामदायक है और आपके लंबे सफर में आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं कुछ डिवाइसेस। यानी कि टाटा मोटर्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि काफी देर बाद आए लेकिन दुरुस्त आए। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।